नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीता तो हम ऊपर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। इसी के चलते आज जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा में एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि अपने समाज के लिए अगर कुछ मिलता है तो ऊपर नेताओं को अपना संख्या बल दिखाना पड़ता है। सरकारों को झुकाने के लिए संख्या बल दिखाना पड़ता है। अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी तभी सरकारें झुककर काम करेंगी। नितिन प्रसाद ने कहा कि अगर यहां से भाजपा प्रत्याशी नहीं जीता तो हम भी ऊपर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरा सिर भी शर्म से झुक जाएगा। ऊपर लोग कहेंगे कि काहे के नेता है जितिन, काहे के नेता जब कुछ कर नहीं पाए और क्यों इनको पद दिया जाए। इसलिए आपको यहां से भाजपा प्रत्याशी को जिताना होगा। नितिन ने कहा कि अभी प्रदेश में छुट्टा जानवरों की बहुत समस्या है लेकिन इसके लिए काम किया जाएगा। नितिन ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि रिकॉर्ड बनाना है ताकि तंबू उखड़ जाए विरोधी पार्टियों के। आइए आपको ले चलते हैं जितेंद्र प्रसाद यूपी के कैबिनेट मंत्री के पास और सुनते हैं उनका क्या कहना है। मुकेश सक्सेना के साथ अमितेश अवस्थी की खास रिपोर्ट। मगर संदेश जाना चाहिए कि ददरौल विधानसभा का श्रेय किसके खाते में जाए, आप लोगों के खाते में जाना चाहिए। क्या समझे? तब जाके मेरा सीना चौड़ा हो सकता है, तब जाके मैं दमदारी से लखनऊ दिल्ली में आपकी आवाज रख सकता हूँ, तब जाके आपके भविष्य के लिए लड़ सकता हूँ, तब आपकी समस्याओं का निस्तारण कर सकता हूँ। और अगर वो नहीं हुआ तो मैं भी अगला सिर भी शर्म से झुक जाएगा कि किस काम के जितिन प्रसाद और काय के नेता और काय के लिए इनको पट दिए जाए जब ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये चुनौती है जो आप लोगों के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ता हूं। आपके लिए समस्याएं हैं, व्यक्तिगत भी होंगी सार्वजनिक भी होंगी। ये अभी छुट्टा जानवर की तो बहुत है, अरे निस्तारण किया जाएगा। ये मत समझिए कि पता नहीं या परेशानी कठिनाई महसूस नहीं करते, सब मालूम। उसके लिए पंचायत स्तर पर गौशालाएं के लिए प्रतिबद्ध है ये सरकार और ऊपर चर्चा होती है कि पहले ये समझ गया था कि व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, मगर और करने की जरूरत है जो कि किया जाएगा। मगर बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये विपक्षी पार्टियां इनके भड़काने में और इनके बदलानों में मत आ जाइएगा। बदलाने ये किसी तरीके से कोई ऐसी सोच नहीं रखते जिससे आप लोगों का भला हो जाए। ये सिर्फ चुनाव में बड़ी बड़ी बातें घूम और चुनाव खत्म हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं बधाई दे रहा हूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के नीचे वही सम्मान है और सम्मान की यहां तक बात आती है तो मैं विधायक जी से भी कहता हूं, गुप्ता जी से भी कहता हूं कि समाज जो है बहुत सरल है, हो जाएगी। अब काम हो, कौन सी पोलिंग कैसे जीते, कौन व्यक्ति किस कारणवश नाराज है, क्या उनकी समस्याएं हैं, कौन किस वजह से गुमराह किया गया, उसको साथ लाने की व्यवस्था, एक एक पोलिंग पे एक एक व्यक्ति को क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी सजी आप पीछे आ गए। तो वो एक एक व्यक्ति पे नजर रखिए और नजर डालिए, एक एक पोलिंग की व्यवस्था समझिए। चुनाव रणनीति का है, चुनाव एक एक वोट का है, सिर्फ जीतना नहीं है, रिकॉर्ड बनाना है ताकि तंबू खड़ जाए उन विपक्षी दलों के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खोखली घोषणाएं करते हैं। तो उस हिसाब से रणनीति बने, प्रत्याशी को आप फ्री कर दो, 14 दिन इनके ऊपर कुछ ना बताओ। क्या समझे आप?
ऐसे ही प्रत्याशी की मत खटी होती और हम लोग और दाएं चलो बाएं चलो यहाँ चलो वो चलो इन्हें आप फ्री करते हो और अपने आप जरा व्यवस्था संभालो। तो संभालेंगे नहीं संभालेंगे? अरे संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे तब जाके कुछ मामला बनेगा। आप जानते हैं ददरौल विधानसभा का महत्व कुछ और है। अभी अभी करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण और संदेश देने वाली विधानसभा है जहां एक टाइम पे राम अवतार मिश्रा जी का गरबा हुआ था। क्यों तुमने नहीं देखा होगा? तुमको जन्म हुआ होता था गरबा के नहीं होता तो फिर से जलवा चाहिए कि नहीं चाहिए? जलवा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस बार फिर से मानवेंद्र सिंह जी को जिताइए और फिर मैं दिखाता हूं कि जलवा क्या होता है। आप देखना फिर आप लोग क्या समझे। और नौजवान लोग आप लोग कमर कस लीजिए। रात दिन में करनी होती चुनाव में ये मत समझना कि हमारे पास को नेतृत्व खत्म कर दिया हाशिए पे पहुंचा दिया। मगर अगर मैं आज कह सकता हूं कि अगर हम लोगों का कहीं भविष्य सुरक्षित है कोई हमारे हितों की रक्षा कर सकता है तो एकमात्र पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के हितों की और भविष्य की सुरक्षा कर सकता है। और मैं उसका उदाहरण हूं। दिया ना मुझे पद दिया ना मुझे सम्मान और आप लोग घर के हैं जो कुछ भी मिला आप लोगों की बदौलत मिला जो अभी वर्चस्व रहा यहां से लेकर देश भर में उसकी देन आप ही लोग हैं। तो यही विनती करने आया कि यहां ददरौल विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से मानवेंद्र सिंह जी को जिताना है और संदेश देना है तभी तो हमारा भी सम्मान हो। वरना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या हुआ? हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद जब मैं उसका नेतृत्व के सामने उसका सही वो ना दिखा सकूं। असर क्या फायदा ऐसी चीजों का? मैं आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास पे आगे बढ़ रहा हूं और लामबंद हो जाइए। कोई आए या ना आए पूछे या ना पूछे छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। और यहां संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों की वजह से छह किसी इसी ददरौल विधानसभा तो है ही पूरे शाहजहांपुर में समाज लामबंद हो गया। क्या पर्चियां पकड़ा रहे हैं? तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।